छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। शायद वो दिन हमारा नहीं था, शायद उस दिन किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया था, या हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी ही कोशिश में कमी रह गई थी। लेकिन कुछ भी कहो, उस दिन भी वो जज्बा और जोश हमारे टीम इंडिया के खिलाड़ियों में ही देखने को मिला था। 19 नवंबर 2023 को हुए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 6 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी। वर्ल्ड कप ट्रॉफी हारने के बाद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हुई, लेकिन हाल ही में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का पहला रिएक्शन सामने आया है। रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, फाइनल में जो हार मिली उससे बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक समय ऐसा आ गया था जब मैंने सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर चला जाऊं, लेकिन मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने हमारा इस मुश्किल घड़ी में साथ दिया। मैं जब भी स्टेडियम जाता था, लोगों से मिलता था, लोगों ने हमेशा मुझे समझा, लोगों ने गुस्सा दिखाने के बजाय हमेशा प्यार दिखाया। मैं उन सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। लोगों ने हमें सपोर्ट किया, इससे हमें सभी खिलाड़ियों को, खासकर मुझे बहुत ताकत मिली है और मैं इसके जरिए धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहा हूँ। आगे रोहित शर्मा ने कहा, हमने उस वर्ल्ड कप के लिए दिन रात एक कर बड़ी मेहनत की थी, लेकिन कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, तो हम निराश हो जाते हैं और खुद को अंदर से बिखरा हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि वो 10 जीत जब भी मेरे सामने आती है, तब मुझे एहसास होता है कि कैसे वो 10 मैच लगातार जीतने के बाद भी हम वर्ल्ड कप हार गए। आगे रोहित शर्मा ने कहा, मैं 50 ओवर का वर्ल्ड कप देखते हुए बड़ा हुआ हूँ और मेरे लिए 50 ओवर का वर्ल्ड कप सबसे बड़ा था। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारी ही कोशिश में कमी रह गई थी। लोगों द्वारा मिला प्यार मुझे और मेरी टीम को फिर से वापस आगे बढ़ने और एक सबसे बड़े खिताब की तलाश करने के लिए प्रेरणा देता है। बता दें, वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया था। अहमदाबाद में टीम इंडिया ने टॉस हारते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, जहां टीम इंडिया 240 रन पर ऑल आउट हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया ने 241 रन का टारगेट 43 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल में मिली हार के बाद ड्रेसिंग रूम में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली फूट फूट कर रोए थे। उस दिन हमारे खिलाड़ियों के आंखों में से जो आंसू निकले थे, उनकी कीमत कभी अदा नहीं की जा सकती। उन आंसुओं की कीमत का कोई हिसाब नहीं है और ना ही कभी हो सकता है, क्योंकि उस दिन हमारे खिलाड़ियों की आंखों से निकले हुए आंसुओं में बहुत बड़ा हार का गम था जिसकी कीमत कभी नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन फाइनल से पहले की वो लगातार 10 जीत हमेशा याद रहेगी जो हमारे खिलाड़ियों ने हमारे देश के नाम की। वो दिन और वो वक्त, उस दिन हमारा नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन किस्मत बदलती जरूर है। हमें हमारे खिलाड़ियों पर गर्व था, गर्व है और हमेशा रहेगा। नमस्कार।